जमीन विवाद को लेकर अहिल्यापुर के भदवा खुर्द गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के भदवा खुर्द गांव में जमीन विवाद को लेकर ये घटना हुई है। मारपीट की इस घटना के बाद एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष के लोगों के घर के कुएं में कीटनाशक दवा मिला दी, जिसके बाद कुएं का पानी पीने से घर के आधा दर्जन महिलाएं और बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। वो लोग से हम लोग को विवाद चल रहा था, तो विवाद चल रहा था तो हम लोग को तो मारपीट किया था। इसके बाद ये लोग 11 उस दिन शनिवार को 11 बजे मारपीट करके हम लोग को यहाँ पर तो भेज दिया। हम लोग आए यहाँ पर, घर से निकलना नहीं दे रहा था, थाना प्रशासन वहाँ पर गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर रेफर किया गया, भेजा गया। और फिर 3-4 रोज बाद फिर रात में घर से कॉल आया कि हम लोग को पूरा सीरियस है, उल्टी पूरा हो रहा है। हम तो बोले ठीक, कैसे ऐसा हुआ? वही हम लोग को समझ में आया कि कुआं में कुछ पोजन डाला गया है। ये कौन लोग किया था? ये तो विपक्ष पार्टी वाला जो झमेला किया, वो लोग तो बार बार धमकी दे रहा था मर्डर करेंगे, वही लोग डाला होगा, और दूसरा कौन डालेगा? किससे विवाद चल रहा था आपका, क्या नाम है? विवाद तो चल रहा था रवि हजाम, नंद किशोर हजाम, लेकिन मारने पीटने वाला बात जा बराबर बोलता था कि जमुना सिंह, मानव सिंह, बसंत सिंह, सीताराम सिंह, ये लोग आके बराबर बोलता था कि पहले इसको गेट के बाहर निकालो, मारपीट करेंगे तब जो होगा देखा। तो किस लिए विवाद चल रहा था? उससे हमको कोई विवाद नहीं है, विवाद है हमको ठाकुर से। क्या विवाद था? वही जगह जमीन का। आपका क्या नाम हुआ? सुनील यादव। कितने लोग घायल हैं? वही 12 आदमी है मेरा घर का पूरा टोटल। कल रात में कितने लोग आप लोग आए? 8 आदमी, 8 जन है। महिलाएं और बच्चे कितने? हाँ, महिलाएं हैं 4 को, तो 6-7 को है। नावती सुनील यादव का लड़का हुआ और जो है सो नर्ता कर रहे थे मेरा मामा लोग, तो नर्ता के क्रम में वो जो ठाकुर लोग जो कहते हैं गढ़वाल लोग, राजा लोग, वो लोग इनको शोषण कर रहा था कि किसी से हम आपको जो है सो नर्ता नहीं करने देंगे। उसके बाद जो है दूसरा किसी भंडारी को बुलाकर, जिन लोग हजामे अपना कर रहे थे, नर्ता कर रहे थे, आकर जो है सो जबरन उठाकर फेंक दिया और मारपीट करने लगा। फिर वहाँ जो मुखिया सरपंच की बात हुई है, मुखिया सरपंच की बात हुआ कि हम फैसला करेंगे। फैसला करने का क्रम में हुआ कि गाली गलौज करने लगा। फैसला होने का 1-2 घंटा पहले गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद जो है सो ये लोग जो है सो बोले अपना घर में था कि हम नहीं सकेंगे, हम लोग थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति हैं। उसके बाद दुआरी इसका जो है गेट के सामने आकर जो है सो लाठी पटकने लगा और ग्वाला निकलो साला ग्वाल इस तरह भाषा प्रयोग करने लगा। और जो है सो ये लोग जब निकला तो सब मिलकर जो है ये लोगों को मारपीट किया, सर भी फाड़ दिया, जो उसमें 12 को टक्का लगा हुआ है, एक और एक छोटा भाई को जो है वो 8 टक्का लगा हुआ है। वो सारा हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गया, उसके बाद जो है सो उसके घर में पानी में कुछ मिला दिया, कुछ भी, पूरे परिवार जो है सो लेटरिन पैखाना सारा बेहोश हो गया। रात में जाकर पुलिस जो छानबीन करके रात में लाकर एडमिट किया है, लाकर प्रशासन जग गया है अहिल्यापुर थाना का, और लाकर एडमिट किया है। इस तरह से शोषण किया जा रहा है। कितने लोग घायल हैं? घायल कितने हैं? 8 आदमी हैं। आप कौन हुए? हम इनका बद्री यादव का भेगना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोलक बिहारी यादव। ये लोग कहाँ का रहने वाले हैं? भदवा का रहने वाले हैं, अहिल्यापुर थाना है।